भागलपुर सुल्तानगंज के अबजुगंज पंचायत में SICIT स्पेशल ब्रांच पटना के सुधीर पोद्दार उनके पत्नी रंजना राय क्राइम ब्रांच पटना के द्वारा गरीब मजदूरों असहाय के 50 परिवारों को चावल दाल आटा तेल नमक मसाला सामग्री का वितरण किए गए। इस दौरान SI सुधीर पोद्दार ने कोरोना वायरस से बचने के लिए घर से बाहर न निकले व साफ सुथरा रहकर कोरोना वायरस की बीमारी से बचने की बात कही। साथ ही बिहार सरकार व केंद्र सरकार आपके हिफाजत के लिए लगे हुए हैं, चिंता नहीं करें, आप लोगों को तमाम सुविधा बहुत जल्द मिलने वाली है। भागलपुर सुल्तानगंज में लॉकडाउन के 10वें दिन थाना अध्यक्ष वीडियो CO ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किए। इस दौरान थाना अध्यक्ष रामप्रीत कुमार CO शशिकांत कुमार वीडियो प्रभात रंजन के द्वारा कोरोना वायरस की महामारी से हुए गरीब मजदूरों असहाय लोगों की भुखमरी होने पर खाद्य सामग्री वितरण किया गया। इस दौरान लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती से पेश किया गया और हिदायत दिए कि घर से बाहर न निकले, लॉकडाउन का पालन करें, जरूरत पड़ने पर एक व्यक्ति ही घर से निकलकर कार्य करे तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा निर्देश जारी हुए जो 5 अप्रैल को रात 9:09 तक बिजली न जलाए तथा एकजुट नहीं होना है, अलग अलग रहना है, जिससे कोरोना महामारी से बचाव हो सके, यह निर्देश सभी लोगों को दिए। इस दौरान सैफ जवान पुलिस बल महिला पुलिस बल मौजूद थे। भागलपुर सुल्तानगंज में कोरोना वायरस से बचने के लिए जिला परिषद सदस्य प्रीति कुमारी के द्वारा अकबर नगर पंचायत के मल्लिक टोला श्रीरामपुर गांव के मल्लिक टोला अकबर नगर पासवान टोला इंग्लिश चिचरौन पंचायत के वार्ड नंबर 4 के रविदास टोला एवं मुस्लिम शहीद टोला तिलकपुर पंचायत के नसोपुर एवं मल्लिक टोला अब्जूगंज पंचायत के मल्लिक टोला एवं अन्य गाँव में जाकर सभी घरों में डिटॉल साबुन एवं थोड़ा मास्क वितरण किए। साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु व हर्ष कुमार सुमन कुमार अंजीत कुमार एवं प्रीतम ठाकुर के द्वारा डिटॉल साबुन लगभग 1500 पीस वितरण किया गया। वितरण के दौरान राजद के प्रदेश चक्रपाणी हिमांशु ने बताया कि ग्रामीणों में केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है, क्योंकि अभी तक किसी गांव में ना तो डॉक्टर की टीम गई, ना तो मास्क का वितरण हुआ, ना तो ब्लीचिंग पाउडर मिला, ना तो सरकारी तंत्र के द्वारा कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए, पदाधिकारी घर से नहीं निकल रहे हैं, सरकार की घोषणाएं हवा हवाई रह गई है, 15 दिन लॉकडाउन होने के बावजूद भी सरकार के द्वारा एक भी घोषणाएं पूरी नहीं हुई, मास्क मिला ना तो फ्री राशन मिला ना तो फ्री गैस मिला ना तो जनधन खाते में पैसा आया ना तो गांव-गांव में जाकर बीमार पड़ने वाले लोगों का इलाज भी नहीं किया गया, मवेशी चारा नहीं मिला, कालाबाजारी युद्ध स्तर पर हुआ जिससे सरकार की पोल खुल गई। जिस तरह से जब कोई आपदा आता है तो जैसे बाढ़ घटोला होता है, विकास योजनाओं में लूट मची है, ठीक उसी प्रकार इस कोरोना वायरस का घटोला उजागर होगा, क्योंकि सरकार केवल घोषणाएं कर रही है, जमीन पर कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। सरकार आंकड़ों के खेल में व्यस्त है, बेचारा गरीब जनता भूख और दवाई के बिना तड़प रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, जिससे लोग के बीच काफी आक्रोश व्याप्त है। एक तरफ सरकार कहती है हम 3 माह का राशन देंगे जिनको कार्ड होगा, और हर पंचायत के हजारों परिवार गरीब हैं जिनको कार्ड नहीं है, उनका गुजर बसर कैसे चलेगा। सरकार को व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह निर्णय लेना चाहिए कि पंचायत स्तर पर अनुश्रवण समिति की बैठक में तय कर सभी गरीब परिवारों को राशन मुफ्त में दिया जाए, फ्री 3 महीने का गैस सिलेंडर की व्यवस्था किया जाए, सरकार की सभी घोषणाओं को लागू किया जाए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.